नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। यदि आप अपने लैपटॉप में विंडोज 10 या विंडोज 11 इंस्टॉल करना चाहते हैं, यदि आप ये नहीं जानते कि हम पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बनाते हैं, तब तक आप विंडोज 10 या विंडोज 11 का कोई भी वर्जन आप अपने लैपटॉप या पीसी में इंस्टॉल नहीं कर सकते। पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के लिए हमें एक रफस सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी, जो इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। हमें विंडोज 10 या विंडोज 11 के ISO फाइल की जरूरत होगी, तो इस वीडियो में हम विंडोज 11 की ISO फाइल को डाउनलोड करना और रफस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के बाद हम अपने पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बनाते हैं, इस चीज को हम पूरे इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए हम डेस्कटॉप स्क्रीन पर चलते हैं, और यहाँ पे हम अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर आ चुके हैं, और यहाँ पे हम अपना ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। ब्राउजर ओपन करने के बाद रफस यहाँ पे टाइप करते हैं, और रफस जैसे यहाँ पे टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद इंटर करते हैं, हमारे सामने रफस का ये विंडोज ओपन हो गया है। और इसमें जो पहला ऑप्शन है, इस पहले ऑप्शन को हम यहाँ पे रफस का सेलेक्ट करने के बाद हमारे सामने रफस का विंडोज ओपन हो जाता है, और यहाँ डाउनलोड बटन को हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारा रफस सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना शुरू हो जाता है, और ये कुछ ही मिनटों में हमारा ये रफस सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है। इसके बाद हम दूसरा टैब ओपन करेंगे ताकि हम अपने विंडोज 11 का ISO फाइल डाउनलोड कर सकें। तो यहाँ पे हमारे सामने टैब ओपन हो गया, और यहाँ पे डाउनलोड विंडोज 11 टाइप करते हैं, और टाइप इंटर प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद जो पहला ऑप्शन है डाउनलोड विंडोज 11 का, इसे हम सेलेक्ट करते हैं, और जैसे ही सेलेक्ट करते हैं हमारे सामने विंडोज ओपन हो जाता है, और यहाँ पे डाउनलोड विंडोज 11 डिस्क इमेज ISO शो हो रहा है, इसे हम सेलेक्ट करते हैं, विंडोज 11 मल्टी एडिशन ISO, और डाउनलोड बटन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक और विंडोज ओपन हो जाएगा, और ये प्रोडक्ट लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है इसके बाद, तो हम इसमें से इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स को यहाँ पे हम चूज करते हैं और कंफर्म पर क्लिक कर देते हैं। हमारे सामने एक और विंडोज ओपन होता है, अब इसमें से विंडोज 11 इंग्लिश जो 64 बिट का शो हो रहा है, इसे हम डाउनलोड बटन पर क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद ही हमारे सामने इसका डाउनलोडिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। जब तक हमारा ये विंडोज 11 का ISO फाइल डाउनलोड नहीं हो जाता, तब तक हमें इसे डाउनलोडिंग पे ऐसे ही रखना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इस फाइल को डाउनलोड कर रखा है। तो यहाँ पे हम कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल बटन पर क्लिक करते हैं। कैंसिल करने के बाद हम इस विंडोज को भी हम क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद हम वहां उस फाइल लोकेशन पर चलते हैं जहां पे हमने अपने दोनों सॉफ्टवेयर रफस और विंडोज 11 का ISO फाइल रखा है। यहां से डाउनलोड से हम अपना रफस कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद हम एक फोल्डर में इसे हम रख लेंगे। यहां पे हम एक फोल्डर में यहां पे हम ला के पेस्ट कर देते हैं। अब हमारे सामने ये विंडोज 11 का ISO फाइल और रफस सॉफ्टवेयर है, जिससे हम पेन ड्राइव को बूटेबल बनाएंगे। रफस सॉफ्टवेयर को हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हमारे सामने इसका विंडोज ओपन हो जाता है। यहाँ पे चूंकि हमने पेन ड्राइव को अभी तक इंसर्ट नहीं किया है, तो इसलिए डिवाइस में यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। जैसे इंसर्ट करते हैं हमारे सामने पेन ड्राइव यहाँ पे डिवाइस ऑप्शन में शो होना शुरू हो जाता है। अब हमारे सामने ये डिवाइस ऑप्शन शो हो रहा है, और यहाँ पे बूट सेलेक्शन को हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम जो विंडोज 11 का ISO फाइल डाउनलोड किए हैं, तो इस फोल्डर में हम चलते हैं, और यहाँ से हम विंडोज 11 इंग्लिश 64 बिट को सेलेक्ट कर देते हैं। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे सबसे लास्ट में आते हैं, और स्टार्ट बटन पे हम क्लिक करते हैं। हमारे सामने ये विंडोज यूजर एक्सपीरियंस का एक ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है, तो चूंकि ये ऑप्शन इसलिए रफस ने अपडेट किया है, कुछ लैपटॉप हैं जो पुराने वर्जन के हैं जिनका प्रोसेसर विंडोज 11 को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो इसलिए वो विंडोज 11 को इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। रफस ने इस ऑप्शन को अपडेट किया है ताकि जो हमारे सामने स्क्रीन पहला ऑप्शन इसमें शो हो रहा है, रिमूव रिक्वायरमेंट फॉर 4GB प्लस रैम सिक्योर बूट एंड TPM। जैसे इस ऑप्शन को हम चेक करते हैं और चेकआउट करने के बाद यहाँ पे ओके पर क्लिक करते हैं, विंडोज 11 का ISO फाइल कॉपी करता है। कॉपी करने के बाद हमारा ये पेन ड्राइव अब बूटेबल हो चुका है, और ये विंडोज 11 या विंडोज 10 जो भी आपने ISO फाइल को सेलेक्ट किया होगा वो इंस्टॉल करने के लिए बिल्कुल सक्षम है। तो आइए हम चेक करते हैं कि क्या हमारा पेन ड्राइव ये बूटेबल हो चुका है। तो यहाँ पे हम दिस PC पे आते हैं। दिस PC आने के बाद देखिए ये हमारा पेन ड्राइव जो है बूटेबल हो चुका है। तो सेटअप पर हम क्लिक करते हैं। सेटअप पर हम जैसे ही
क्लिक करेंगे तो यदि हम यहाँ चाहते हैं कि विंडोज का अपग्रेड हम करें, विंडोज 10 यदि हमारा पहले से इंस्टॉल है और विंडोज 11 में हम अपग्रेड करना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन से हम सेटअप पर क्लिक करके हम विंडोज 11 को अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये हमारा पीसी को चेक कर रहा है, पीसी का चेक करने के बाद हमारे सामने एप्लीकेबल नोटिसेज एंड लाइसेंस टर्म्स यहाँ पर शो हो रहा है। तो अब यहाँ से हम एक्सेप्ट करके हम विंडोज 10 को विंडोज 11 में अपग्रेड कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि विंडोज 11 या विंडोज 10 को फ्रेश इंस्टॉल करना, तो आप बूट फ्रॉम यूएसबी या फ्लैश ड्राइव को चूज करके आप अपने विंडोज 10 को या विंडोज 11 इंस्टॉल कर सकते हैं। यदि आप विंडोज 10 इंस्टॉल नहीं करना जानते हैं, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को देखकर आप अपने लैपटॉप को सक्सेसफुली इंस्टॉल या अपग्रेड कर सकते हैं। क्योंकि हमें लैपटॉप को अपग्रेड नहीं करना है, तो इसलिए हम इसे हम सेटअप को क्लोज कर देते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम तब तक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।